Hello everyone, welcome back to the channel. So, same company, two bobbers, आपस में ही competition हो रहा है. So, it's too much fun for us. So, यहाँ पे आ गई है Java Bobber 42. ये एक और bobber motorcycle है from the Java family. पहले अपने पास पेराक थी. Now, we have this 42 bobber. तो, सबसे पहले तो आज यही बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या differences हैं. And also, in the end, we'll talk about किसको कौन सी वाली लेना चाहिए because दो options हैं आपके पास अगर आप bobber लेना चाहते हो तो. So, दो options हैं. उन दोनों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं. So, before we start, special thanks to Tilakraj Java for helping me out. अगर आपको Java का कोई product देखना है, showroom की सारी contact details description में हैं. Call करिए, अपनी appointment book करिए, then go to our showroom and have a look. Now, let's start with the video. तो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से. सबसे पहले मैं आपको जावा बॉबर 42 का प्राइस बता देता हूँ. सो इसमें आपके पास तीन कलर ऑप्शंस हैं. डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑप्शन आपको प्राइस पे करना पड़ेगा. तीनों के बीच में फीचर्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, जस्ट द कलर ऑप्शन. सो सबसे पहले वी हैव दिस मिस्टिक कॉपर जो आप सामने देख रहे हो. इसका एक शोरूम प्राइस है 2,07,000 रुपीज़. इसके बाद आपके पास आता है मूनस्टोन वाइट जिसका एक शोरूम प्राइस है 2,08,000 रुपीज़. एंड देन वी हैव द टॉप कलर जैस्पर रेड. तो जैस्पर रेड के लिए आपको देना पड़ेगा 2,09,000 रुपीज़. सो यहीं पे अगर मैं बात करूं पेराक के बारे में तो पेराक में आपको सिर्फ एक मॉडल मिलता है. यहाँ पे तीन मॉडल हैं. तो ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 2,07,000 रुपीज़. वहीं पे पेराक में सिर्फ एक मॉडल है जिसका एक शोरूम प्राइस है 2,09,000 रुपीज़. सो या अगर 1-2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो. अब बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में. यार लिटरली दिस मोटरसाइकिल लुक्स सो डैम गुड. यहीं पे अगर मैं पेराक के बारे में बात करूँ ना, पेराक थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है. अगर आपको एक ओल्ड स्कूल बॉबर चाहिए तो फिर आपको पेराक बहुत बढ़िया लगने वाली है. बट यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एक न्यूनेस दिखती है, एक न्यू एज बॉबर वाला फील आता है. सो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगो, मतलब मांग रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट अगर आप मांग रहे हो तो मैं आपको बता दूँ दिस मोटरसाइकिल लुक्स बेटर टू मी वेन आई कंपेयर टू पेराक. बिकॉज पेराक में ना यार, मतलब ठीक है ओल्ड स्कूल है, अगर आपको ओल्ड स्कूल पसंद है तो उसके साथ जा सकते हो. बट मेरे को यार ये वाला डिज़ाइन लैंग्वेज ज़्यादा पसंद आ रहा है. बहुत सटल डिफरेंसेज है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिफरेंसेज हैं. बट मेरे को ना ये ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो वो बहुत बढ़िया बात है. अब बात करते हैं फ्रंट से. तो फ्रंट में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं एक और बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि फीचर्स में तो कोई डिफरेंसेज नहीं है तीनों के बीच में, तीनों कलर ऑप्शन के बीच में. बट अगर मैं इसको पेराक से कंपेयर करूँ ना तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं. प्राइस भी कम है और ज़्यादा फीचर्स भी है, मैं आपको बताता हूँ. सो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है. यहाँ पे 42 का बैच है. LED टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं. सो ये सब चीज़ें आपको पेराक में नहीं मिलती हैं. पेराक में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, बट यहाँ पे LED है, विच इज़ अ गुड थिंग. यहाँ पे बात की जाए सो आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जो कि पेराक में ही मिलता है, नॉट अ डिफरेंस. और आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं, ट्यूबलेस नहीं है. बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पोक्ड व्हील्स मिल रहे हैं. सो ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ट्यूब टायर्स हैं. अगर पंचर होता है तो दिक्कत होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर. ये सब चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. अब आते हैं इसके इंजन की तरफ. तो इंजन देखो, पेराक में ना आपको सब कुछ ब्लैक आउट मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम है, कलर है, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है. सो दिस लुक्स बेटर टू मी ऑल्सो दैट. ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को. सो इंजन के बारे में बात की जाए तो आपको 334cc का एयर प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है. ये प्रोड्यूस करता है 30.64 PS एंड 32.74 Nm का टॉर्क. अभी इससे पावर आवर कैसी है उसके बारे में अपन बात करेंगे. सो दैट विल सी. एक और डिफरेंस व्हेन आई कंपेयर इट टू पेराक, पेराक में क्या है, जो अपना फुटपैग है ना वो यहाँ पे है, बट इसमें आगे की तरफ कर दिया गया है. सो ये मेरा पहले से भी कहना रहा है कि यार यहाँ पे ना फुटपैग पोजिशन पेराक में थोड़ी सी, मतलब क्यों होता क्या है ना, क्योंकि जो हैंडल बार पोजीशन और जो ऊपर पोजीशन है उसके साथ फुटपैग पोजीशन उतने अच्छे से मैच नहीं हो रही थी. बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, फुटपैग्स को आगे कर दिया गया है. सो अभी इसके बारे में ही बात करेंगे कि कितना कंफर्टेबल है, क्या है, वो सब अच्छे से बात करेंगे. ऑल्सो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात की जाए तो नीचे की तरफ आपको एक मेटल की प्लेट मिल रही है. और एक बात मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, द ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट दैट गुड. येस, इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, बट स्टिल द ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट दैट गुड. बहुत सी जगहों पे आपको इसको बच बच के निकालना पड़ेगा. सो ठीक है यार, एक मतलब पैशन वाली गाड़ी है ये, ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लेगा. सो पैशन वाली गाड़ी है तो थोड़ा सा आपको आराम से चलाना पड़ेगा, बिकॉज नीचे टकरा सकती है, वो एक बात है.
यहाँ पे आपको बॉबर 42 लिखा मिल जाता है। एंड जस्ट लुक एट दिस यार, ये मेरे को इतना अच्छा टच लगा, इतना सुंदर टच है कि मतलब पिराग में भी ये देना चाहिए यार। पिराग में एकदम ब्लैक है ना, यहाँ पे ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। सो ये बहुत बढ़िया बात है। पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, सीएट के टायर्स हैं, ट्यूब टायर्स हैं। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिल जाता है। सो यहाँ पे अपने को मोनोशॉक मिल रहा है। एक और डिफरेंस व्हेन आई कंपेयर टू पिराग, पिराग में आपको यहीं पे टेल लाइट मिलती है सीट के पीछे, बट इसमें आपको यहाँ पे पीछे फेंडर के ऊपर टेल लाइट मिल रही है जो कि एलईडी टेल लाइट है, एलईडी टर्न सिग्नल्स हैं। सो ये एक और डिफरेंस है, पिराग में वहाँ है, इसमें यहाँ है। तो ये आपका एक पर्सनल मतलब एक हो सकता है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। बाकी मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इतना ब्रॉड दिखता है, इतना मस्कुलर दिखता है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे सेंटर में आपको मोनोशॉक मिलता है और ये एकदम ऐसे मस्कुलर सा दिखता है। फिर उसके बाद वो देखो टिप्स, तो ये सब चीज़ें यार देख के मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं इसके टैंक की तरफ। तो यहाँ पे आपको 42 का डिकायल मिल जाता है। अगर आप दूसरे कलर ऑप्शंस के साथ जाते हो तो वहाँ पे आपको डुअल टोन भी मिलेगा, तो वो सब चीज़ें भी हैं। बाकी यहाँ पे आपको बार एंड मिरर्स मिल जाते हो, और बार एंड मिरर्स ना इसके हल्के से वो क्रोम के साथ एक टिंट के साथ आते हैं। सो सुबह जब आप चलाओगे ना इस मोटरसाइकिल को, इसमें ज़्यादा ग्लेयर एयर नहीं पड़ता है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स गुड। यहाँ पे जावा लिखा हुआ है, ये आपका हैजर्ड लाइट के लिए है। यहाँ पे आपके पास पूरे कंट्रोल्स हैं, बार एंड मिरर्स अगेन। ऑल्सो व्हेन आई कंपेयर इट टू पिराग, यहाँ पे आपको एक यूएसबी और टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है जो कि आपको पिराग में नहीं मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। यहाँ पे आपको प्राइस भी कम पे करना है और आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो अगेन व्हेन आई कंपेयर इट टू पिराग, पिराग में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, बट यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। सो इसमें आपको टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे क्लॉक, साइड स्टैंड की वार्निंग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो अगेन ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। सीट के बारे में बात की जाए, यार सीट देखो ये एक अलग ही कलर में दी गई है, मतलब कि सेंटर में ना एकदम लाइट कलर का आपको ग्रे मिलता है, साइड में आपको डार्क कलर का ग्रे मिलता है, यहाँ पे जावा का बैज है। लिटरली द सीट लुक सो डैम गुड, सो डैम गुड यार, मैं क्या बोलूँ, इतनी सुंदर सीट है ना, मेरे को तो मज़ा आ गया। यहाँ पे भी आपको ये जावा का बैज मिल जाता है, सो दिस ऑल्सो लुक्स प्रीमियम। इस तरफ आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका गियर लीवर है ना, उसको आगे की तरफ कर दिया गया है, जो कि मैं आपको बता रहा था ना उस तरफ, तो इसको आगे की तरफ कर दिया गया है। बाकी अभी भी यार साइड स्टैंड लगाने में दिक्कत तो होती है, बिकॉज वो एकदम वहाँ फंस जाता है। वहाँ देख रहे हो मेरे पैर के निशान है, वो इसलिए है बिकॉज वो एकदम उससे चिपक जाता है। थोड़ा उसका वो बड़ा कर देना तो साइड स्टैंड लगाने में आसानी हो जाएगी। बाकी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जो कि एक बढ़िया बात है। यहाँ पे आप पूरा डिज़ाइन बढ़िया तरीके से देख लो। सो अब मैंने आपको पूरे डिफरेंसेस बता दिए हैं बिटवीन द बोबा 42 एंड द पिराग। डिफरेंसेस तो अपन ने जान लिए, अब एक काम करता हूँ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन वील राइड इट। Let's go. So start karte hain iske engine se right from the start. Yeah, the power delivery of this motorcycle is exactly like a sports motorcycle. The initial pickup is good, the mid range is good, the top end is good. The more you push it, the more it rewards you. So exactly, agar aapne aaj tak koi bhi sports motorcycle chalai ho to same power delivery aapko yahan pe milne wali hai. So very exciting, but also because of that power delivery, the whole torque has not been concentrated in the initial RPM. जिसकी वजह से अगर आप इस मोटरसाइकिल में सही टाइम पे गियर शिफ्ट नहीं करते हो, सही टाइम पे गियर चेंज नहीं करते हो, या फिर एक हायर गियर पे रहते हो, तो जैसे ही आप थ्रॉटल खोलोगे ना, इंजन नॉक करने लगेगा या फिर बाइक स्टॉल हो जाएगी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं। सो यू विल हैव टू बी इन्वॉल्व विद दिस मोटरसाइकिल अ लॉट मोर। सो सही टाइम पे गियर चेंज करो, सही टाइम पे शिफ्ट करो, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज जो भी इंसान इस मोटरसाइकिल को लेगा, ही विल बी एन एंथुजियास्ट, एंड फॉर एन एंथुजियास्ट बींग इन्वॉल्व विद योर मोटरसाइकिल इज अ गुड थिंग। सो बढ़िया तरीके से आप इन्वॉल्व रहो, सही टाइम पे गियर चेंज करो,
रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, सो रिफाइनमेंट इज गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, आई वोंट से इट्स द बेस्ट, बिकॉज थोड़े बहुत वाइब्रेशन आपको हैंडल बार में, थोड़े बहुत आपको फुट पैग्स में देखने को मिलते हैं, बट दैट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोस वाइब्रेशन आपको एक ऐसी चीज़ फील होती है कि हाँ यार आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ, वैसा फील नहीं आता है, यू फील कि हाँ यार एक प्रॉपर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, पिस्टन मूव कर रहा है, इंजन चल रहा है, सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड थिंग, सो थोड़े बहुत वाइब्रेशन है, नॉट अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के हीटिंग के बारे में, बिकॉज उसके बारे में ही बहुत लोग कंसर्न रहते हैं, सो यस ये इंजन हीट होता है, जब आप इसको ट्रैफिक वैफिक में लेके जाओगे ना तब ये पक्का से हीट होगा, फैन ऑन हो जाता है, बट द गुड पार्ट इज द हीट इज बींग डाइवर्टेड अवे फ्रॉम योर लेग्स। पहले क्या होता था वो एकदम आपके पैर में लगता था, बट ये एक इम्प्रूवमेंट किया गया है बाय जावा कि अब जो हीट है ना वो नीचे की तरफ थ्रो की जाती है, सो आपको पैरों में गर्मी नहीं लगती है, सो पैरों में आपको अब गर्मी नहीं लगने वाली है, सो यस इंजन हीट होता है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, आपको उससे कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है, सो या द पावर इज़ गुड, द पावर डिलीवरी इज़ गुड। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के गेयरबॉक्स के बारे में, और सबसे पहले द क्लच इज़ अ लिटिल ऑन द हैवी साइड, सो ऐसे ऐसे यूज़ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको होल्ड करके रखे रहोगे ना तो 4-5 मिनट के बाद आपको हाथों में दर्द होने लगेगा, दैट्स फॉर श्योर, सो इट्स अ लिटिल ऑन द हैवी साइड, बट अगर मैं इसको पहले से कंपेयर करूँ ना तो पहले से तो इम्प्रूव हो गया, मतलब अगर मैं इसको पिराग से कंपेयर करूँ तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट आ गई है, वो एक अच्छी चीज़ है। गेयरबॉक्स के बारे में बात की जाए तो आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिलता है, एंड द गेयरबॉक्स इज सो डैम गुड यार, इतना स्मूथ है, इतना रिफाइंड है, एक बार में गेयर शिफ्ट होते हैं, कभी भी मिस शिफ्ट इस शिफ्ट कुछ नहीं है इसमें, सो आराम से गेयर या चेंज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको यहाँ पे गेयर शो भी होता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में, तो सिटिंग पोजीशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल अकॉर्डिंग टू मी इज इन सिंगुलैरिटी। अगर मैं यहीं पे पिराग के बारे में बात करूँ तो पिराग की ऊपर की जो सिटिंग पोजीशन थी वो एकदम बॉबल जैसी थी, बट द फुटपैक पोजीशन वॉज लाइक अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, तो वहाँ पे ना वो एक सिंगुलैरिटी आपको फील नहीं होती थी, बट यहाँ पे जो पूरी सिटिंग पोजीशन है ना ऊपर नीचे सब जगह एक बॉबर जैसी है, जो कि मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, सो कंफर्ट वाइज ऑल्सो इट्स मोर कंफर्टेबल व्हेन आई कंपेयर टू पिराग, एंड दिस फील्स टू बी इन सिंगुलैरिटी, हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, फुटबैक पोजिशन हल्की सी आगे की तरफ है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा कम्फर्ट मिलता है, सो या द सिटिंग पोजिशन इज कम्फर्टेबल एंड मोर कम्फर्टेबल व्हेन आई कंपेयर टू पिराग एंड फील्स इन सिंगुलैरिटी। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के, एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में, और सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, दैट्स फॉर श्योर, सो अगर आप एकदम से कोई पॉटहोल के ऊपर से जाते हो या फिर गड्ढे के ऊपर से जाते हो तो आपको वो स्टिफनेस पक्का से फील होने वाली है, बट द गुड पार्ट अबाउट द सस्पेंशन इज द फैक्ट इट डज नॉट टॉस यू, इट डज नॉट अनसेटल यू, सो एकदम से ना आपको ऐसे बाउंस नहीं कराता है, जंप नहीं कराता है, फेंकता नहीं है, सो येस इट्स ऑन द स्टिफर साइड, बट इट्स ऑल्सो कंप्लायंट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस स्टिफनेस जब आप इस मोटरसाइकिल को तेज चलाते हो, पुश करते हो, भगाते हो, इट गिव्स यू सो मच अश्योरेंस, इतनी स्टेबल रहती है मोटरसाइकिल, सो वो एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में, सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25-30 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल, उतना आपको आराम से मिल जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बिकॉज इट्स अ पावरफुल मोटरसाइकिल एंड ऑल्सो द पावर डिलीवरी इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, सो इट इंटाइसेस यू कि पुश करो, रेफ करो, सो उसकी वजह से 25-30 किलोमीटर्स पर लीटर कैन बी ईजिली अचीव विद दिस मोटरसाइकिल। Everything feels good with this motorcycle. The feel is really good. Everyone looks at you. हर कोई मुड़ मुड़ के देखता है. Proper attention grabber है ये motorcycle. So वो बहुत बढ़िया बात है. Switch गए कि quality, fit and finish. यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है. But the only problem I feel with this motorcycle is the headlight. The headlight of this motorcycle is so damn weak. इतनी weak है कि रात को आप इस motorcycle को चला ही नहीं सकते हो. अगर आप इसको रात को चलाने का सोच रहे हो तो आपको ऑक्सिलरी लाइट या फिर इस हेडलाइट को चेंज कराना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर, सो बहुत ही ख़राब हेडलाइट है, इससे बेटर तो हैलोजन दे देते, बट ठीक है अभी ये है, सो हेडलाइट इज़ नॉट एट ऑल गुड, बाकी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में, सो अब बात करते हैं कि आपको जावा बॉबा 42 लेना चाहिए या फिर जावा पिराग लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो यार आप लोग ये डिसाइड कर लो आपको ओल्ड स्कूल पसंद है या फिर आपको न्यू एज पसंद है। अगर आपको ओल्ड स्कूल पसंद है देन आई से यू शुड टोटली गो फॉर जावा पिराग, बिकॉज पिराग में आपको ओल्ड स्कूल लुक्स मिलते हैं, जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो फ्रंट हेडलाइट है, एवरीथिंग इज लाइक ओल्ड स्कूल।
सो अगर आपको ओल्ड स्कूल पसंद है, गो फॉर जावा पेराग। अब अगर आपको न्यू एज पसंद है, देन आई से यू शुड गो फॉर जावा बॉबर 42, बिकॉज यहाँ पे आपको ना बॉबर एक न्यू एज में मिल रही है। सो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज डिजिटल, सामने आपको LED मिल रही है, लुक्स थोड़े से मॉडर्न हैं, तो ये आपका एक पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है। बिकॉज प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, प्राइस में आज तक कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो इसका प्राइस 2,07,000 रुपये है, उसका 2,09,000 रुपये है। अगर आप इसका टॉप कलर लेते हो तो उसका भी 2,09,000 रुपये है। तो प्राइस में यार ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ब्रांड भी एकदम सेम है, द अंडरपिनिंग्स आर ऑल्सो द सेम, सिर्फ ऊपर से ये बाइक अलग दिखती है। सो ये अब आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है। बाकी अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मेरे को ये वाली मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज फीचर्स भी ज़्यादा हैं और मेरे को इसके लुक्स ज़्यादा अपील कर रहे हैं। तो यार ये देखो एकदम की एक पर्सनल ओपिनियन है, आपको कैसा पसंद है। बाकी एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन चाहिए ना, देन दिस मोटरसाइकिल इज़ बेटर फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो आपको फुटपैक पोजीशन मिल रही है ना, इट्स मोर कंफर्टेबल। तो ये बस एक चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी तो एज सच दोनों में से कोई भी ले लो यार, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको किसके लुक्स पसंद आ रहे हैं, किसका टेक पसंद आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर टेल लाइट चाहिए कि वहाँ पर टेल लाइट चाहिए, तो यार ये आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं। आपको जो पसंद आ रहा है आप उसके साथ जा सकते हो, सेम ब्रांड की मोटरसाइकिल है, सेम अंडरपिनिंग्स हैं, तो ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। बाकी हाँ, मेरे को यार मोटरसाइकिल चला के बहुत मज़ा आया। और एक और चीज़ मैं एंड में बोलना चाहूँगा, कोई मुड़ के आपको देखे या ना देखे, रॉयल इनफील्ड वाले पक्का मुड़ के देखेंगे, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि अभी तक मैंने जितने रास्ते से आया हूँ ना, हर रॉयल इनफील्ड वाले ने मेरे को मुड़ के देखा है। सो दैट्स फॉर श्योर, वो तो आप कंफर्म अटेंशन ग्रैब करने वाले हो उस मोटरसाइकिल के साथ। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।